त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमिकाएं। तो इसमें का सवाल सॉल्व करने से पहले आपको इसका जो फार्मूला है वो याद होना जरूरी है। फार्मूला अच्छे से याद रहेगा तो सब सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला देख लेंगे पहले, जो इसका फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप 1/cosec थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब साइन का या समझ सकते हैं साइन को उल्टा कॉसेक, तो उल्टा है तो 1/cosec, वैसे ही ये कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर साइन रहेगा तो 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक रहेगा तो उसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका इसका हम ऐसे तिरय पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, मतलब दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। वैसे ही कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ? तो ऐसा आप इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा देखेंगे कॉस थीटा, जैसे कॉस थीटा आपका आएगा यहाँ देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। अब sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। क्लियर? दोनों को ऐसे लिख सकते हैं उसके बटे के रूप में। उसके बाद इसका हम तिरय गुणा करेंगे ऐसे, तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद है आपका tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है, ये cot है ना, cos नहीं है, वैसे ही cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। फिर इसका तिरय गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लेना है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ऐसे ही सबको याद कर लेना है। उसके बाद हो गया ये स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद रखना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ से हो गया ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब स्क्वायर वाला फार्मूला याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, आपका tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ होता है। क्लियर है? tan थीटा बराबर क्या होता है, sin θ/cos θ, और cot थीटा बराबर होता है, इसको उल्टा कर देंगे, cos θ/sin θ। अब इसका स्क्वायर वाला फार्मूला देखेंगे, यह होता है sin²θ + cos²θ बराबर होता है 1, sin²θ + cos²θ = 1। तो यहाँ से देखिए इसको दो तरीके से और लिख सकते हैं, अगर इसमें हम देखिए sin²θ का मान निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे sin²θ का मान निकालेंगे तो इसको आप बंद कर देंगे, जैसे ये sin²θ को आप बंद कर दिए तो cos²θ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos²θ। क्लियर हुआ? एक फार्मूला बन गया। वैसे ही आप cos²θ का मान निकालेंगे, cos²θ इसको बंद करेंगे, साइन पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 1 - sin²θ। तो देखिए एक ही फार्मूला है, इसको दो और अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको याद रखना है sin²θ + cos²θ = 1, और इसी से ही बना है ना, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद कर लेंगे तो इसी से बना सकते हैं, sin²θ = 1 - cos²θ, और cos²θ = 1 - sin²θ। इसके बाद है sec²θ = 1 + tan²θ। अब देखिए इससे दो फार्मूला और बन जाएगा, तो यहाँ से अब जैसे मान लीजिए एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा sec²θ - 1 बराबर हो जाएगा tan²θ। ये प्लस है तो माइनस हो गया, इसी से बना, और अगर टेन को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा sec²θ - tan²θ = 1।
एक बार एक को पक्षांतर किए तो माइनस हुआ, एक बार टेन को पक्षांतर किए तो माइनस हुआ। तो इस प्रकार इसका फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। उसके बाद होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे दो फार्मूला और बनेगा, वन को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को एक बार पक्षांतर करेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। क्लियर है? तो इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपको क्या है ये सवाल, आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं फार्मूला को रख रख के। तो पहले तो फार्मूला को अच्छे से आप याद कर लेंगे, फिर उसके बाद ही आप सवाल को बनाएंगे। देखिए प्रश्नावली एक, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है, जैसे पहला है एक बटे सेक थीटा माइनस वन माइनस एक बटे सेक थीटा प्लस वन बराबर टू कॉट स्क्वायर थीटा लाना है। तो सिद्ध करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको बायां पक्ष बोलेंगे और इसको दायां पक्ष। तो एक को लेकर दूसरा लाना है। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले आप इधर को लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसे एल एच एस बराबर इधर को लिख लेंगे एक बटे सेक थीटा माइनस वन माइनस एक बटे सेक थीटा प्लस वन, ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें त्रिया गुणा होगा, जब भी ऐसे बीच में प्लस या माइनस रहता है तो गुणा होता है। कैसे गुणा होता है? ऐसे ऐसे और ऐसे। इसका गुणा इसमें होगा तो सेक थीटा प्लस वन ऊपर आ जाएगा, ये वाला इधर आ गया, बीच में माइनस रहेगा ही कोष्टक लगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन, या अगर माइनस रहता है तो कोष्टक लगा देंगे। तो ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला ऊपर आ गया, फिर नीचे नीचे का गुणा होगा। तो ऐसे बटा करेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, तो इसको लिख देंगे वैसे कोष्टक में सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन। क्लियर हुआ? नीचे वाला ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर, फिर ये नीचे नीचे का गुणा और बीच में माइनस। अब यहाँ देखिए ये ऊपर का सेक थीटा प्लस वन वैसा ही रहेगा, माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये वाला बटा। इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला? ये वाला आपको बार बार यूज होगा, चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। देखिए पहला पहला एक जैसे है, दूसरा दूसरा एक जैसे, एक माइनस एक प्लस, तो ये फार्मूला लगता है। तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। ध्यान देंगे थीटा में वर्ग नहीं लगाते। अब ऊपर में देखेंगे तो एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, तो देखिए सेक थीटा ये माइनस है और ये प्लस है, एक को नहीं कटाना है क्योंकि दोनों प्लस है। तो यहाँ से आपको क्या बच गया, यहाँ वन बचा और यहाँ पर वन बचा, बटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। एक का स्क्वायर एक होता है, एक दूनी दो नहीं करना है, एक एकम एक। अब ये एक और एक कितना हो गया? दो हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब आपको फार्मूला बताया था मैं, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर देख लेंगे, आपको फार्मूला बताया था, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से आप इसमें लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बदले आपको लिखना है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए हमको उत्तर कितना लाना है, उत्तर में ध्यान देने हमको लाना है टू कॉट स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है? तो यह उत्तर पहले से है तो टू तो है। अब ध्यान देंगे टेन नीचे में है तो इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्वाट हो जाएगा, ये भी फार्मूला ही है। तो ये टेन अब क्वाट कैसे हुआ? तो लिखेंगे चूंकि एक बटे टेन थीटा बराबर होता है
कॉट थीटा, मतलब अगर टेन नीचे में है इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसीलिए बोला हूँ पहले आपको फार्मूला को अच्छे से याद कर लेना है तब सवाल बनेगा। तो ये हो गया, अब इसको लास्ट में लिख देंगे। इधर क्या है आपका एल एच एस है और ये क्या हो गया आर एच एस, ये शुरू में दिया था तो दोनों साइड आ गया तो इसीलिए क्या हो गया ये सिद्ध हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ, इति सिद्धम या फिर प्रूव्ड, आपका जो भी बना लिख सकते हैं ध्यान से आप लिख देंगे, ऐसे प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड दैट या सिद्ध हुआ इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था ये भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे सिद्ध करने वाले में उत्तर नहीं लिखना है ना। और एक चीज और ध्यान देंगे सिद्ध करने वाले ऐसे एरो का निशान नहीं लगाना है, बराबर बराबर ही लगाना है, एरो लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे दोनों एक जैसे ही दिख रहा है लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ गुणा है, तो प्लस वाले को हमको गुणा के रूप में लाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपको लिख लेना है एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला से याद रखेंगे सेक को हम लिख सकते हैं एक बटे कॉस, ये हो जाएगा एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे कॉसेक को लिख सकते हैं एक बटे साइन, ये हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे चूंकि सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर। तो चूंकि दोनों में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए जब भी ऐसे प्लस माइनस रहता है तो तिरिया गुणा होता है, ऐसे गुणा होता है मतलब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऐसे वाला बताया था ऐसे ऐसे ऐसे, तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा एक में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा गुणा एक में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा इन दोनों को गुणा के रूप में लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। तो ये ऊपर गया ये ऊपर गया ये दोनों गुणा के रूप में लिख दिए। अब ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, लिखेंगे ये भी फार्मूला है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, मतलब इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं एक, अभी नीचे में जैसा है वैसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद ये हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए हमारा उत्तर क्या लाना था। अब फिर से देखिए ये कॉस नीचे में है तो फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेक हो जाएगा, कॉस को उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, साइन नीचे में है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर जैसे ये वाला फार्मूला लगाया था ना सेक का एक बटे कॉस, वैसे कॉस का एक बटे सेक होता है। यहाँ लिख देंगे चूंकि एक बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और एक बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो ऐसे आप फार्मूला को भी साइड में लिखेंगे तो आप पूरा पूरा अंक मिलेगा। तो ये कॉस नीचे था ऊपर गया सेक हो गया, साइन नीचे था ऊपर गया तो कॉसेक हो गया, यही हमको लाना था। यहाँ देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो लास्ट में लिख लेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या हो गया प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट लिख देंगे सिद्ध हुआ इति सिद्धम, आपका जो मन वो लिख सकते हैं।